महिलाओं पे सपा जबकि सपा ने अभी 5 दिन पहले इसको महंगाई को मुद्दा बनाकर उन्होंने सड़कों पे प्रदर्शन किया। आप विपक्ष की भूमिका में है, क्या आप सड़कों पर लेते हैं या बयानबाजी तक ये सीमित है इसको? देखिए, एक तो मैं ये कहूँ कि जब इस तरीके का सवाल मीडिया मुझसे दिल्ली में भी करता है तो मुझे अफसोस होता है, लेकिन कांग्रेस ने जगह जगह एजिटेशन किया है, एक मुद्दे को मुमकिन है बिजनौर में ना हुआ है, लेकिन एक अरे मौलाना आप क्या बोलो, आप जवाब दे, आप सब लोग क्यों बोल रहे हैं भाई? अरे अरे अस्करी काय को बोल रहे हो तुम लोग? वो आप जवाब देंगे भाई, आपको भाई बात बोलिए, जवाब आपको देना। चल बोल 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 बोल। देखिए एजिटेशन हर जगह हुआ है, यहाँ पे हुआ है नहीं हुआ ये अध्यक्ष बैठे ये आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सरकार होते हुए क्या किसी चीज के लिए एजिटेशन करना जरूरी है? महंगाई आसमान को छू रही है, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, ऑफिस से निकल के सड़क पे चलने वाले एक आदमी से सवाल कीजिए, वो बताएगा महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पेट्रोल डीजल की कीमत की मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्या कोई डिमांड करने के लिए एजुकेशन जरूरी है? और अगर जरूरी है, किसान बैठा है एक साल से, क्या सरकार ने किया? नहीं, किसान बैठा है, किसान कर रहा है, विपक्ष बोल रहा है, आपकी क्या भूमिका है? एक मिनट, सीएए के लाखों लोग पूरे देश के अंदर बैठे रहे, वो सब पाकिस्तानी हो गए, किसान खालिस्तानी हो गया, यही एटीट्यूड इस सरकार का। हम अपने विपक्ष की भूमिका पूरे तरीके से निभा रहे, आप देखते नहीं कि प्रियंका गांधी को कहीं जाने नहीं दे रहे, कोई दूसरा नेता है जो लड़ रहा है, हम ही तो लड़ रहे हैं। अकेले से पार्टी तो चलिए, कांग्रेस प्रियंका आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए हम हर मुद्दे पर जिला देखिए, आप हर मुद्दे पर उठा रहे हैं, और ये इस सवाल पर दरअसल